फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 163, ये मैंने एफटीआर में बहुत स्ट्रेस देके बताया था कि लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये सब यू वी आई आई एफ को फॉलो करते हैं। वी स्टैंड फॉर विजिबल, तो जो हाइड्रोजन के लिए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बामर सीरीज जो होती है विजिबल रीजन में लाई करती है, बाकी और किसी के लिए लाई नहीं करती। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बामर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 164, अ कंपाउंड इज फाउंड बाय कैटायन सी एंड एनायन ए, ये भी एफटीआर का डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखें पोजीशन देखना, कैटायन है सी और एनायन है ए। द एनायन फॉर्म्स एचसीपी स्ट्रक्चर, इन एनायन का नंबर हो गया 6, क्योंकि एचसीपी में 6 एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल में। एंड द कैटायन ऑक्यूपाइज 75% यानी 3/4 ऑफ 6, बस 6 से गया 6, 4 को भेजो इधर, C3A4 विल बी द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एंड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 165, ये ऑर्गेनिक में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो 11 ना आपके पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें से एक होता है अलनाइन। सो मेमोरी बेस्ड है, ऑब्वियसली आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हो, और आपको तो पता ही होगा बायो वाले स्टूडेंट हो। फिर देखिए ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद O3 एंड ZnH2, तो ओजोनोलिसिस हो रहा है, क्या बना रहा है? प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन का फॉर्मूला क्या हो गया? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है। और इथेनल, इथेनल कौन हो गया? सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच ओ, ये आपका इथेनल हो गया। तो इन दोनों से कंपाउंड बनना है, तो आप देखो यहाँ से जो एल्कीन बनेगी उस एल्कीन की शक्ल कुछ ऐसी होगी, सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री और H, करेक्ट है। अब ये कह रहा है कि इस एल्कीन पर एडिशन ऑफ HCl करवाओ, तो भाई मोर सब Cl जाएगा मोर सब्स्टिट्यूट कार्बन के ऊपर, तो सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एल सी एच टू और सी एच थ्री, ये आपके पास एल्कीन बनेगी। तो देखो ऐसी को ये एल्केन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में ही मुझे दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट स्टेबल, तो आप ये देखें SiF6 2 में स्टेबल होता है, लेकिन SiCl6 में क्या होता है? क्लोरीन के बड़े साइज की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। लोगे सर वो तो जी में भी होगी, हाँ जी में भी होगी, लेकिन जी का साइज सिलिकॉन से रिलेटिवली बड़ा है, तो बड़ा है तो मॉलिक्यूल्स इन एटम्स के बीच में डिस्टेंस रिलेटिवली क्या हो जाएगी? ज़्यादा, तो स्टेरिक क्राउडिंग रिलेटिवली कम होगी, इसलिए GCl6 2- तो रिलेटिवली स्टेबल होगा, बट SiCl6 2- स्टेबल नहीं होगा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।